हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको एडियर और इकोनॉमिक रिएक्शन आपको पढ़ा रहे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। आपकी बिटिंग अभिक्रिया, मैनिंग अभिक्रिया, नॉर्मल नौजल अभिक्रिया है, ये हमने आपको पूर्व के वीडियो में इन मैकेनिज्म के बारे में और उनकी मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया। अब देखिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अमोनिया के व्युत्पन्नों के बारे में आपको पढ़ेंगे। अमोनिया के डेरिवेटिव वो देखिए आप, अमोनिया व्युत्पन्नों के बारे में देखिए, अमोनिया के डेरिवेटिवों के बारे में आपको बताएंगे। अमोनिया व्युत्पन्नों के बारे में देखिए आपको, नंबर एक अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे H2NH, ये आपका अमोनिया है और इस अमोनिया से जो उत्पाद बना है एमीन बन गया, नंबर एक। नंबर दो आप देखिए, नंबर दो पे है आपका H2 और आपका एल्किल एमीन, तो ये आपका सिप क्षारक बन गया। देखिए सिप क्षारक बन गया। तीसरा देखिए H2NOH, आपका H2NOH आपका जो है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी ऑक्सीन का निर्माण हो गया। ये देखिए ऑक्सीन का निर्माण हो गया। चौथा है आपका H2NH2 हाइड्रेट जीन से आपके हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। नंबर पांचवा देखिए आपका H2NH6H5 आपका फेनिल हाइड्रेट जी, और ये बन गया आपका फेनिल हाइड्रेजोन। छठा देखिए आपका H2NH और ये NO2 और NO2, देखिए 2,4-dinitro फेनिल हाइड्रेट जी, और ये बन गया आपका 2,4-dinitro फेनिल हाइड्रेजोन। ये और नंबर सातवां जो डेरिवेटिव है वो H2NNC1NH2, ये हो गया आपका सेमी कार्बोजाइड, यानी ये सेमी कार्बोजोन। ये तो इस प्रकार से हम अमोनिया के डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन अमोनिया के जो डेरिवेटिव है, अमोनिया के जो ये व्युत्पन्न है, इन व्युत्पन्नों की हम अभिक्रिया आपको बताते हैं। देखिए यह अमोनिया व्युत्पन्न जो है आपके, इनकी अभिक्रिया में एल्डिहाइड व्युत्पन्नों के साथ बनाते हैं। तो देखिए पहला आपका जो है आपका अमोनिया है, दूसरा आपका H2NR या एल्किल है, शिक्षा बनता है H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन, H2NH NH2 हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-dinitro
फूटी अभिक्रिया है आपको जैसे सर्वोत्तम में इसी की अभिक्रिया कार्बन और हाइड्रोजन के साथ है। ये देखिए H C डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्लस इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने H2 और NH के साथ कराई अमोनिया के साथ कराई। ये देखिए अब देखिए जो कार्बन आपका बाद में करना है और ये आपका जो उत्पाद है ये H ये HC डबल बॉन्ड NH प्लस H2 ये आपका बन गया कार्बन एल्डिहाइड कीमीन। ये तो देखिए स्टूडेंट्स को कैसे ही हम अब आप दूसरे रुपये इसके साथ करा देंगे कार्बन ये देखिए आप पहले अभिक्रिया हमने इसके साथ करा दी अब आप देखिए दूसरी अभिक्रिया हम जो करा रहे हैं आपको ऐसे अभिक्रियाएं कराती है ये देखिए और दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए आप ये फार्मिया लिया आपका सी डबल बॉन्ड हो यह आपका फार्मिया एल्डिहाइड और इस फार्मिया एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने H2NR के साथ अभिक्रिया करें और ये अभिक्रिया देखिए आपकी HCN प्लस H2 यह आपका एल्किल एमीन है आपका एल्किल एमीन इसके साथ कराए और इस एल्किल एमीन के साथ कराने पर आपका ये बन गया एल्डिहाइड क्षार। तो इस प्रकार से ये हम जो अभिक्रिया है सातों अभिक्रिया है फिर हमने फार्मेल्डिहाइड के साथ करा दी। अब देखिए इसके साथ कराने के बाद हमने फार्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया बनानी है साथ में हमने तीसरी अभिक्रिया इसके साथ करा दी। आप साथ में तीसरी अभिक्रिया हमने जो कि फार्मेल्डिहाइड के साथ करा दी H C डबल बॉन्ड या तो फार्मेल्डिहाइड है और ये H2 आपका NOH ये जलता हुआ आपका बाहर निकल गया और ये आपका देखिए H C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2 ये बन गया आपका फार्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। ये इस प्रकार से हम अगले देखो चौथी अभिक्रिया में आपको बता देता हूं ये आपका फार्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड प्लस H2N NH2 ये देखिए आपका जलता हुआ आपका बाहर निकल गया H C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2 ये बन गया आपका कार्बन एल्डिहाइड आपका हाइड्रोजन। नंबर पांचवी अभिक्रिया देखिए आप हमने इसके साथ अभिक्रिया करा दी कार्बन C डबल बॉन्ड H2N NH C6H5 आप देखिए कि जब तक आपका बाहर निकल गया और ये आपका बन जा रहा है कि ये आपका H C डबल बॉन्ड NH और C6H5 ये लोगो H को आपका बाहर निकल गया ये बन गया आपका हाइड्रोजन। ये इसी प्रकार छठी अभिक्रिया में देखिए इसके साथ क्या दीजिए फार्मेल्डिहाइड के साथ C डबल बॉन्ड
और ये ये लोग और ये ऐसे ही रहते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने सात टॉपिक लिया है, अब हमने लिया है किसान पढ़ी, साथ ही हमने लिखे आर बी एल डी आई के साथ, आर बी एल डी आई के साथ हमने इसके साथ लिखिया पढ़ी, इसी प्रकार एस एम डी एल डी आई के साथ भी हमने ये सात टॉपिक लिया है पढ़ी, सात सात चौदह एक सौ नौ लिया हमने। अब हम इन सातों की क्रियाओं को जो है हम अब ऐसी नौ के साथ पढ़ेंगे, आप देखिए फिर आपको बता दें, आप ये देखिए ये हो गया आपका ऐसे नॉम, ये नोमोनिया के साथ पढ़ रहे हैं, ये लोग ऐसे नो, ये हो गया आपका ऐसे नॉम और ये ऐसे को ये लीजिए, बहुत ही सिंपल अब क्रिया है, ये हो गया आपका ऐसे नॉम ले लीजिए। अगले देखिए आपका ये आपका सी एस थ्री और ये हो गया आपका एसीटोन और ये हो गया आपका एसीटोन और ये हो गया आपका सी एस थ्री सारे ये। अगला ये ऐसे कौन आपका देखिए जल का नाम का बाहर निकल गया है और ये देखिए ये आपका सीएसटी और ये ऐसे कौन ऑक्सीमन है आपका और ये सीएसटी और ये सीएसटी ये हो गया आपका एसीटोन हाइड्रोजन सी एस थ्री और ये सी एस थ्री ये हो गया आपका जर्नल वाला हो गया ये सी एस थ्री और ये हो गया एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन ये भी ये हो गया आपका सी एस थ्री और ये हो गया आपका सी एस थ्री और ये हो गया आपका एसीटोन लास्ट में ये देखिए सी एस थ्री और ये सी एस थ्री और ये हो गया आपका एसीटोन। तो इस प्रकार से देखिए हम अपने एसीटोन के साथ पढ़ने सातों अभिक्रियाएं यानी कीटोन के साथ हमने पढ़ ली सात। तो इस प्रकार से टोटल 30 लेक्चर होगी देखिए स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही सरल है, आपको हमने यहाँ के मेरे बच्चे ये सूत्र आप याद रख रहे हैं, पहले अमोनिया के साथ हमने पढ़ाई हार्मोनियम के साथ एसिटोन के साथ एसीटोन के साथ, इसी प्रकार से हमने एल्केलाइड के साथ पढ़ाई आपकी फाइमेलियर के साथ एसिटियर के साथ एसिटोन के साथ, फिर हाइड्रोक्सीलेटिन के साथ पढ़ाई हमने कार्बेनियर एसिटियर एसिटोन के साथ, हाइड्रोजन के साथ पढ़ाई हमने फेनिल हाइड्रोजन के साथ पढ़ाई हमने, फिर टू फोर डाइहाइड्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ पढ़ाई हमने लिख दिया और फिर लास्ट में सेम कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमारे तीनों जो कार्बोनिल यौगिक है आपने कार्बन लिया है एसिटोन लिया है ऐसे हमने उत्पादों के नाम आपको बताए दिए, मूल यौगिकों के नाम और उत्पाद आपको कार्बन लिया है तो कार्बन लिया यौगिक जोड़ना है, एसिटोन लिया है तो एसिटोन लिया यौगिक जोड़ना है, एसिटोन है तो एसिटोन यौगिक जोड़ना है। बहुत सारा रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए हम इसी के बाद में अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारे फिनिश हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपके सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिवों के बारे में हम जो है अगला अमोनिया की अभिक्रिया हम जो पढ़ेंगे आरबीएलडीआई के साथ जो कि बहुत ही फेमस यौगिक का निर्माण होता है वो देखिए। ये
लीजिए। अमोनिया के साथ अभिक्रिया हम कर रहे हैं, बहुत ही भावे होते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया में देखिए, ये आपके अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। आप इसमें देखिए फोर एन एस थ्री प्लस सिक्स एस टू आरबीआई के साथ, ये आपके अमोनिया है और इस अमोनिया के अभिक्रिया में कार्बोनिल के साथ बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बोनिल के साथ अभिक्रिया बढ़ी। और देखिए सी एच टू का हॉल सिक्स एंड फोर आपका, आप देखिए बचे हमारे चाहते हैं हमारा सिक्स एस टू, ये बन गया हमारा हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन यूरोट्रोपिन, ये इसका व्यापारिक नाम है, ये यूरोट्रोपिन इसका व्यापारिक नाम है। आप देखिए हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी संरचना देखें हम, तो देखिए संरचना आप समझ लीजिए, ये आपका है, ये आपका सी एच टू और सी एच टू और यह आपका सी एच टू, यह आपका है और यह आपका एन और यह आपका सी एच टू और ये आपका एन और यह आपका सी एच टू और यह आपका सी एच टू। तो देखिए ये संरचना हम जो पढ़ रहे हैं सी एच टू, ये तो देखो ए दो तीन चार पाँच छ हो गया आपके सी एच टू का होल सिक्स हो गया, एक दो तीन चार ये हो गए हमारे यूरोट्रोपिन की संरचना, ये हो गई यूरोट्रोपिन की संरचना या हेक्सा मेथिलीन टेट्राहेड्रॉन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी। तो इस प्रकार से हमने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करी और आपका यूरोट्रोपिन उत्पाद का निर्माण हो गया, जो कि बहुत ही फेमस यौगिक है व्यापारिक जगत में। आप देखिए इस जो इसके बाद में जो है जैसे एसिटाल्डिहाइड के साथ हम अमोनिया की अभिक्रिया कर रहे हैं, ये देखिए और ये हमने अमोनिया के साथ ये एच और ये एन एच, आप देखिए ये इससे जुड़े आपका ये सी एस थ्री और ये एच आपका सी ओ एच और ये एन एच टू, योगात्मक यौगिक का निर्माण हो गया, जैसे कि अमोनिया का निर्माण हो गया आपका। इसी प्रकार से देखिए और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई, इसी प्रकार से हम एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराए सी एस थ्री सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड और ये हो गया हमारा एसीटोन, इसकी क्रिया एच एन एस टू के साथ करा रहे हैं। देखिए आप सी एस थ्री सी और ये बॉन्ड ओ एच और एन एच, वापस हमने अभिक्रिया देखी है एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू, वापस हमने एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराई जलता हम आपका बाहर और बाहर निकालने के बाद देखिए हमारा उत्पाद बन गया सी एस थ्री सी और ये आपका सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री और ये एन एच टू और ये जब मत बाहर निकलता है।
डाई एसिड फॉर्म अमोनिया का निर्माण होगा। ये देखिए डाई एसिड फॉर्म अमोनिया का निर्माण होगा, डाई एसिटोन अमोनिया का इस प्रकार से निर्माण होगा। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने अमोनिया के डेरिवेटिव आपको सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपको बताया, सातों से आपको 21 वीक्स में आपको पढ़ेगा आज के वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पूर्व के वीडियो में भी आपको बहुत डेमेज से पढ़ाई, क्योंकि क्रिया विधि आपको समझाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी प्रकार से अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी, ये देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया हम कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई, एक्स्ट्रा मेथिलीन टेट्राहेड्रिन यूरोक्रोमिन का निर्माण हुआ, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं आपका फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया बन गया, फिर अमोनिया के अभिक्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो आपका एसीटोन साथ करा रहे हैं, डाई एसीटोन अमोनिया का निर्माण हो गया। ये यूरोक्रोमिन की संरचना आपको बता दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया। अब देखिए अब हम कार्बोनिल यौगिकों का यदि हम अपचयन करते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का यदि हम अपचयन करते हैं तो दो प्रकार के उत्पादों का हमें निर्माण होता है। देखिए कार्बोनिल यौगिकों का यदि हम अपचयन कराते हैं, कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिकों का प्रकार से। ये देखिए स्टूडेंट्सों, हम पहले में लिपिड के द्वारा एथर बनाएंगे, दूसरे में एथिनोल हाइड्राक्साइड के द्वारा हाइड्रेट के द्वारा ग्लूटामिक बाय पाउडर पर भी अपचयन और पीना फॉर्म अपचयन, एल्केन बाय डिमेंशन अपचयन और बहुत कुछ नाम अपचयन। देखिए स्टूडेंट्सों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आपको आगे